स्टूडेंट्स क्लास ट्वेल्थ, आज हम गणित विषय के अध्यापन में सारणिक के एक भाग उपसारणिक को और सहखंडों को पढ़ेंगे। उपसारणिक यानी कि माइनर क्या है, सारणिक में उपसारणिक क्या है यानी कि माइनर, जो इंग्लिश में इसको माइनर कहते हैं, उपसारणिक माइनर क्या है। सारणिक के किसी अवयव का उपसारणिक एक ऐसा सारणिक है जो दिए हुए सारणिक में से उस अवयव वाली पंक्ति तथा स्तंभ को छोड़ देने से प्राप्त होता है। एक बार फिर से, सारणिक के किसी अवयव का उपसारणिक एक ऐसा सारणिक है जो दिए हुए सारणिक में से उस अवयव वाली पंक्ति तथा स्तंभ को छोड़ देने से प्राप्त होता है। ये तो इसकी डेफिनेशन थी। यदि हम एक एग्जांपल मान लें कि मान लेते हैं हमारे पास में एक सारणिक है A11, A12, A13 ये पहली पंक्ति है, A21, A22, A23 ये दूसरी पंक्ति है, A31, A32, A33 ये तीसरी पंक्ति है। यहाँ पर इसका जो उपसारणिक निकालना है तो हम देखते हैं कि जो हमारे प्रथम पंक्ति है उसका जो प्रथम अवयव है A11, तो इस अवयव का उपसारणिक हम कैसे निकालते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, अवयव A11 का उपसारणिक, अवयव A11 का उपसारणिक क्या हुआ, M11 बराबर, अभी परिभाषा हमने जो बोली थी डेफिनेशन उसमें था कि उस पंक्ति को, अवयव जिसमें से अवयव लिया है उस पंक्ति तथा उसके कॉलम को छोड़ देने से जो अवयव शेष बचते हैं वही उसका उपसारणिक हो जाता है। तो क्या बचा हमारे पास में, A22, A23 और A32, A33, और इसको और हल करते हैं तो इस प्रकार से क्रॉस में गुणा करते हैं, A22 A33 माइनस A32 A23 ये इस प्रकार से, तो ये हमारा इस A11 अवयव जो है इसका उपसारणिक M11 हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम सारणिक के जो अन्य अवयव हैं उन सभी अवयवों के उपसारणिक ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे ये A11 है तो पहला उपसारणिक M11, अगर दूसरा है तो A12 तो उसके M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33 ये सभी क्या कहलाएंगे, इसके उपसारणिक कहलाएंगे। तो आपने डेफिनेशन और एक एग्जांपल के द्वारा उपसारणिक का मतलब समझा है। अब आते हैं हम सहखंड। सहखंड क्या है, सहखंड क्या है जिसको हम कोफैक्टर भी कहते हैं। तो सारणिक के किसी अवयव का सहखंड उचित चिन्ह के साथ उसके उपसारणिक के बराबर ही होता है। मतलब सारणिक जो है वो सारणिक के किसी अवयव का सहखंड, ये जो सारणिक दिए इसके किसी भी अवयव का सहखंड उचित चिन्ह के साथ, मतलब जो चिन्ह होता है उचित चिन्ह के साथ उसके उपसारणिक के बराबर होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि जैसे हमारा पहला ही अवयव है A11, तो इसका हमें निकालना है सहखंड, तो A11 का सहखंड, ठीक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे C11 बराबर उचित चिन्ह के साथ, तो -1 और ये 1 है तो 1+1 M11 इसके बराबर होता है। अब हम इसको अगर हल करके देखें तो हमारे पास में ये जो मान होता है -1² M11, और हम जानते हैं कि -1 का जो स्क्वायर होता है वो प्लस में हो जाता है तो ये पूरा 1 हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या बचेगा, M11। तो इस प्रकार से जो हमारी परिभाषा थी वो थी कि सारणिक के किसी भी अवयव का सहखंड उचित चिन्ह के साथ उसके उपसारणिक के मान के बराबर होता है। ये इसकी डेफिनेशन है सहखंड की।
तो हमने उपसारणिक और सहखंड की जो डेफिनेशन पढ़ी, ये आपको समझना है और याद करना है। अब आते हैं हम सारणिक के गुण। सारणिक के गुण में हम देखते हैं सारणिक के गुण। सारणिक के गुण जो है वो पहला गुण इस प्रकार से है, जिसको हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स भी कहते हैं। सारणिक के गुण में पहला जो गुण है वो इस प्रकार से कि यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। मैं यहाँ पे नियम नंबर 1 आपको समझाता हूँ। यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ, तो हम एक सारणिक लेते हैं, मान लेते हैं कि एक सारणिक है हमारे पास में 0006823375। अभी हमने डेफिनेशन ये गुण पढ़ा है कि यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ, ये पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव, किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो उस सारणिक का मान शून्य हो जाता है। अब हमारे पास में जो पहली पंक्ति है उसमें सभी अवयव शून्य हैं, इसलिए इस सारणिक का मान शून्य के बराबर होता है। आप हल करके देख सकते हैं इसको। जैसे देखिए, जीरो अवयव है तो जीरो के साथ में इसको हल किया हमने, पंक्ति कालम छोड़ देते हैं, 8275 माइनस दूसरा अवयव लिया पहली पंक्ति का, जीरो, तो बचे अपने पास में 6235 प्लस फिर जीरो, तीसरी प्रथम पंक्ति तीसरा कालम छूट जाएगा, 6837। अब जीरो का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, यानी कि पूरा मान किसके बराबर हो जाता है, जीरो के। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि किसी सारणिक के किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज नंबर 2, सारणिक के गुण। दूसरा नियम, दूसरे नियम में हम देखते हैं कि किसी सारणिक में पंक्तियों को स्तंभ में तथा स्तंभ को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो उस सारणिक के मान में कोई अंतर नहीं होता है। यदि कोई सारणिक है हमारे पास में और यदि उस सारणिक की पंक्ति है उसको यदि स्तंभ में बदल दें और यदि स्तंभ को हम पंक्ति में बदल दें तो उस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अभी हमने एक लिया था, जैसे ये सारणिक है आपके पास में 0006823375। ठीक है, अब यदि हमने इसकी जो पंक्तियाँ हैं उनको अगर कालम में बदल दें और जो कालम है उनको पंक्तियों में बदलें तो हमारे क्या प्राप्त होता है वो देखना है। जीरो प्रथम पंक्ति कालम में बदल दिया, द्वितीय पंक्ति को भी हमने कालम में बदल दिया ये इस प्रकार से, और तृतीय पंक्ति को भी हमने कालम में बदल दिया। ठीक है, ये इस प्रकार से। अब देखिए, इसमें अभी हमने पहला वाला नियम पढ़ा है कि किसी पंक्ति या कालम के सभी अवयव शून्य हो तो उसका उसमें सारणिक का मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे भी ये कालम के सभी अवयव शून्य है तो इसलिए यहाँ पे इसका मान भी शून्य के बराबर होगा और इसका मान भी शून्य के बराबर होगा। यानी कि पंक्तियों को यदि हम कालम में यानी कि स्तंभ में और स्तंभ को यदि पंक्तियों में बदलें तो उस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। नियम नंबर 3, तीसरे नियम में है, यदि किसी सारणिक में किन्हीं दो स्तंभों या किन्हीं दो पंक्तियों को आपस में बदल देवें तो सारणिक का संख्यात्मक मान तो वही रहता है परंतु चिन्ह बदल जाता है। संख्यात्मक मान तो वही रहता है लेकिन चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ये नियम नंबर 3 है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम कोई सारणिक लेते हैं, जैसे एक सारणिक लिया है हमने 2357144,
539 ये एक सारणिक है। इसमें हमने यदि किसी एक पंक्ति को और एक कॉलम को अगर हम बदलें तो आपस में अगर बदल दें तो सारणिक का संख्यात्मक मान तो वही रहता है लेकिन चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। किन्हीं भी दो स्तंभों या किन्हीं भी दो पंक्तियों को आपस में अगर बदल दें, जैसे ये मान लो ये पंक्ति है और इस पंक्ति को हम आपस में बदल देते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर ये हमने बदला 235 है और 714 है, 539 है, ये हमारे पास में पहली सारणिक थी, इसको बदल दिया हमने। तो बदलने पे पंक्ति को बदल रहे हैं हम 714 235 539, ये दो पंक्ति आपस में हमने बदल दिए। तो बदलने पर क्या हो रहा है कि जो ये वाला मान है इस मान का ऋणात्मक होगा, जैसे ये मान अगर प्लस में आता है तो ये मान हमेशा ऋणात्मक में होगा, इस प्रकार से यानी कि चिन्ह बदल के हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये नियम नंबर तीसरा है। नियम नंबर चार है, इसका जो गुण है, प्रॉपर्टीज जो इसकी है सारणिक की, वो नियम, यदि किसी सारणिक में कोई दो स्तंभ अथवा कोई दो पंक्तियां सर्वसम हो तो उसका मान शून्य होता है। यदि कोई सारणिक है और यदि उसमें कोई भी दो स्तंभ या कोई भी दो पंक्तियां समान है तो उसका मान शून्य होता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक सारणिक हम देखते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास में 234 234 715 ये है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो दो कॉलम हैं हमारे, ये दोनों सर्वसम हैं यानी कि समान हैं, तब हम कहेंगे कि इस सारणिक का जो मान है वो जीरो होगा। पंक्ति में भी इसी प्रकार से हो सकता है, यदि दो पंक्ति आपस में समान हैं, चाहे वो ये वाली भी हो सकती है, चाहे ये वाली और ये वाली भी हो सकती है, चाहे ये और ये भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि समान लगातार दो पंक्ति समान हो, ये और ये फर्स्ट पंक्ति और थर्ड पंक्ति भी अगर समान है, उनके अवयव समान है, सर्वसम है, तब कहेंगे कि सारणिक का मान शून्य होगा। ठीक है, इसी तरह से पाँचवा नंबर है, यदि किसी सारणिक के किसी स्तंभ या पंक्ति के प्रत्येक अवयव में अचर राशि के, जहाँ पर के जो है वो जीरो के बराबर नहीं हो, उसका गुणा किया जाए तो सारणिक में यानी कि पूरे सारणिक में के का गुणा हो जाता है। कोई सारणिक है, जैसे मान लेते हैं कि एक सारणिक है और उसमें हमें ऐसे दे रखा है कि के ए वन के ए टू के ए थ्री और ये दे रखा है बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री। तो इस सारणिक में से एक पंक्ति में हमने प्रथम पंक्ति में केवल एक अचर पद के का गुणा किया है, तो इसका मतलब है कि इस के का जो गुणा है वो इस पूरे सारणिक में ही होगा। जैसे कि इस प्रकार से जब हम इसको सरल करते हैं, के का माना जाता है ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री, ये देखिए। तो ये जो के अचर पद है इसका गुणा इस पूरी सारणिक में हो गया है। यहाँ पर सारणिक में प्रत्येक अवयव में था प्रथम पंक्ति के, लेकिन जैसे ही हमने इसको कॉमन लिया तो इस के अचर पद का गुणा पूरे सारणिक में हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि किसी सारणिक के किसी स्तंभ या पंक्ति के प्रत्येक अवयव में अचर राशि के, जहाँ पर के जो जीरो के बराबर नहीं हो, का गुणा किया जाए तो पूरे सारणिक में ही के का गुणा हो जाता है। छठे नंबर का प्रॉपर्टीज है इसकी, वह इस प्रकार से है कि यदि मुख्य विकर्ण के एक ओर के सभी अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान विकर्ण के अवयव के गुणनफल के बराबर होता है। किसी सारणिक के जो मुख्य विकर्ण होते हैं, मान लेते हैं कि एक समय सारणिक दे रखी है और वो है 573024001,
ये, या इस प्रकार से भी हो सकती है, थ्री टू वन फाइव फोर जीरो और जीरो जीरो और सेवन, ये इस प्रकार से। ठीक है, आप यहाँ पे मुख्य विकर्ण देख रहे होंगे कि ये एक सारणिक है, इसका मुख्य विकर्ण ये है। इस सारणिक में भी देखेंगे कि इसका मुख्य विकर्ण ये है। ठीक है, अब यदि मुख्य विकर्ण के एक और के सभी अवयव शून्य हो, जैसे ये मुख्य विकर्ण है तो इसका एक और के ये अवयव शून्य है, या एक और के ये अवयव शून्य है, तब उस सारणिक का मान जो मुख्य विकर्ण हैं उनके अवयवों के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे हमें इस सारणिक का मान बताना हो तो हम कैसे बताएंगे, डेल सारणिक में 5 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया आपका 5 टू जै 10। इसी को बताना हो तो इसको कैसे बताएंगे, ये एक सारणी अलग से सारणिक है, तो इसका मान क्या जाएगा, 3 एक 7 ये, तो इसका 3 एकम 3 तीनों सतह 21 ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम प्रॉपर्टी 6 को इस प्रकार से समझा सकते हैं। यदि मुख्य विकर्ण के एक और के सभी अवयव शून्य हो तब सारणिक का मान विकर्ण के अवयवों के गुणनफल के बराबर होता है। एक अगली प्रॉपर्टी जो है हमारी 7वीं प्रॉपर्टीज, और वो इस प्रकार से है, यदि किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक राशियों के योग या अंतर के रूप में हो तो सारणिक को उसी कोटि के दो सारणिकों के योग या अंतर के बराबर व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के द्वारा इसको बताता हूँ जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक हमारे पास में एक सारणिक है इस प्रकार से, ए वन प्लस अल्फा वन, ये प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, ए टू प्लस अल्फ़ा टू, ए थ्री प्लस अल्फ़ा थ्री, और यहाँ पे आपके पास में बी वन सी वन बी टू सी टू बी थ्री सी थ्री। ठीक है, तो हमने अभी इस प्रॉपर्टीज़ की जो परिभाषा थी उसमें पढ़ा था कि यदि किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक राशियों के योग या अंतर, किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक राशियों के योग या अंतर के रूप में हो तो सारणिक को उसी कोटि के सारणिक के रूप में व्यक्त किया जाता है, योग के या अंतर के बराबर व्यक्त किया जाता है। जैसे कि हमने इसको व्यक्त करेंगे, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री। अब ये प्लस में है तो ये प्लस, अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री। इस प्रकार से ये प्लस में थे तो हमने यहाँ पे दो सारणिक के रूप में इसको प्लस में व्यक्त किया है, उसी कोटि के। जैसे ये तीन बाई तीन कोटि का है, तीन कोटि का है, तो ये भी तीन कोटि का है। इस प्रकार से हम इन 7 प्रॉपर्टीज जो है इसकी डिटर्मिनेंट्स की और भी है, लेकिन हम महत्वपूर्ण 7 प्रॉपर्टीज़ का इस अध्याय में अध्ययन किया है, और इसी आधार पर हम इस प्रश्नवाली के जो हमारी इसके आधार पर जो प्रश्नवाली है उसको हल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।